डियर स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से यहाँ से हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉर्डिनेशन कम्प्लेक्सेज तो डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉर्डिनेशन कम्प्लेक्सेज इस थ्योरी में हम क्या करेंगे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स होते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉस्टलेट्स क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या बताते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉशलेट मेटल एटम जो भी होता है मेटल एटम मेटल एटम जो भी होता है इट पजेज मेटल एटम पजेज वैकेंट डी ऑर्बिट वैकेंट ऑर्बिटल्स इट पज वेकेंट औरबिटल वेकेंट औरबिटल फार बॉन्ड फार्मेशबिटल सच ज डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मेटल मेटल आइटम जो होता है कम्प्लैक्स कंपाउंड में उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स, एस औरबिटल पी औरबिटल किसके लिए फार बड फार्मेशन फार बंड फार्मेशटल आइटम पजेज वेकेंट और फार बड फार्मेश और जो हमारे लाइगेंड्स होते हैं लाइगेंड्स जो होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है एक लाइगेंड like एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अ पेयर बाय ईच लाइगेंड दे डोनेट अ पेयर ऑफ एलेक्ट्रॉस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ईच लाइगेंड बाय ईच लाइगेंड एक बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन्स देता है जो लिगेंट्स होते हैं लाइगेंड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द मेटल एटम टू दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स तो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है लाइगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं मेटल के डी एस पी ऑर्बिटल्स में तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक चीज़ हमें नहीं बताती है वो क्या है हमारे जो लाइगेंड्स होते हैं ये लाइग इस टू टाइप्स के होते हैं एक होता है हमारा स्ट्रोंग लाइग और स्ट्रोंग फील्ड लाइगेंड जो हम नेक्स्ट थ्योरी में डिस्कस करेंगे लेकिन हम इसका यूज थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे एक होता है स्ट्रोंग लाइगेंड्स वहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम इनको बताएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स और एक होता है वीक लाइगेंड्स वीक लाइगेंड्स तो यहाँ पे आपको याद रखना है फिलहाल स्ट्रॉग लाइगेंड्स और वीक लाइगेंड्स का कंसेप्ट उसमें पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे याद रखना है जब भी कोई लेगेंट्स सी डोनर होगा या एन डोनर होगा मीनस इफ़ इट अ बॉन्ड थ्रो कार्बन एटम विद द मेटल और थ्रो नाइट्रोजन एटम विद द मेटल फॉर एग्ज़ाम्पल सी एन फॉर एग्जाम्पल अमोनिया Uh, for example cn for example ammonia these ligands they form bonds through nitrogen atom or through carbon atom they are con they are considered as strong field ligands और जो अदर लीगंड्स होते हैं such as water such as halogens ये हमारे वीक फील्ड लीगंड्स होते हैं ये वीक लीगंड्स होते हैं इन लीगंड्स का डिस्कस स्ट्रांग और वीक का डिस्कस हम नेक्स्ट थ्योरी में करेंगे दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लेकिन हमें यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रांग फील्ड लाइगेंस क्या करेंगे वीक फील्ड लाइगेंड्स क्या करेंगे स्ट्रांग लाइगेंस सी डोनर्स और एन डोनर्स होते हैं जहाँ हमें मेटल के साथ कार्बन से बॉन्ड बनता है या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है और जो ऑक्सीजन डोनर्स होते हैं या हेल्ड डोनर्स होते हैं वो वीक फील्ड लाइगेंड्स होते हैं लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट थ्योरी में किया जाता है बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है लेकिन हमें ये ज़रूरत पड़ेगा कि अगर स्ट्रांग फील्ड लेकेंड होगा तब क्या होगा अगर वीक फील्ड लेकेंड होगा तब क्या होगा हम अप्लाई करेंगे वी बी थ्योरी टू तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्सेज यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो लेटेस्ट टेक फर्स्ट कम्पलेक्स लेटेस्ट टेक फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्री एफ ई सी एन होल सिक्स ये स्ट्रक्चर हम लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं यहाँ पे पहले हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन तो हमें पता है पोटेशियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है पॉजिटिवली चार्ज आयन है प्लस वन है लेकिन यहाँ पे तीन पोटेशियम आयन है थ्री इंटू प्लस वन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड नेगेटिवली चार्जेड लाइग है तो इसकी चार्ज माइनस वन है लेकिन कितने है? X six, X तो हमारा जो मेटल यो यहाँ पे है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है तो आयरन इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस सी हमें पता है आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स मीनस इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या होती है आर्गन आर्गन में एटीन अलेक्ट्रॉन हैं देन थ्री डी सिक्स फोर एस टू जब भी आप थ्री डी सीरीज की कॉन्फिग्रेशन uh, करोगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्री डी सिक्स फोर एस टू लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस थ्री है यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है देयरफॉर आयरन इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको इन डिटेल मैनर ऐसे दिखाएंगे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन क्या है हमारा आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है ट्वेंटी कितने अलेक्ट्रॉन्स हैं इसके डी में सिक्स इलेक्ट्रॉनस हैं एस में कितने हैं है. है? लेकिन आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट मीनस थ्री तीन इलेक्ट्रॉन आयरन ने लॉस किए हैं तीन इलेक्ट्रॉन लॉस मीनस पहले ये फोर से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा क्योंकि फोर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनस फोर ऑर्बिटल से निकल जाएंगे देन डी एलेक्ट्रॉन्स तो कॉन्फिग्रेशन बनेगी आर्गान थ्री डी ये हमारी कॉन्फिग्रेशन बनेगी तो ये हमारा डी ऑर्बिटल्स है दीज आर थ्री डी ऑर्बिटल थ्री डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद हमारा फोर एस ऑर्बिटल है फोर एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके बाद हमारा फोर पी ऑर्बिटल है दिस इज फोर पी ऑर्बिटल नाउ सी व्हाट हैपन्स साइनाइड जो है मैंने अभी आपको कहा जो भी कार्बन डोनर्स होते हैं और जो भी नाइट्रोजन डोनर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेगेंट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग लेगेंट्स मीनस वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं मतलब जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगन आता है तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर अप हो जाते हैं यहाँ से स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड आया तो ये अलेक्ट्रॉनस पियर अप हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लग अलेक्ट्रॉन अप तो जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स में दिस इज फ्री आयरन एफ ई टू प्लस लेकिन जब भी साइनाइड आयन आएंगे तो क्या होगा ये अलेक्ट्रॉनस पियर अप हो जाएंगे पियर अप मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो कन्फिग्रेशन जो हमारी बन जाएगी वो यहाँ ऐसे बनेगी ना देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉन पियरस अप दिस इलेक्ट्रॉन पियर अप एंड दिस दिस इज थ्री डी ऑर्बिटल दैन वी हैव फोर एस ऑर्बिटल दैन वी हैव फोर पी ऑर्बिटल अब मुझे बताओ हमारे पास कितने साइनाइड आयस एक साइनाइड आयन लाइग एंड कितने अलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दो तो अलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद साइनाइड आयन दो अलेक्ट्रॉन यहाँ देगा दो अलेक्ट्रॉन जहाँ देगा दो अलेक्ट्रॉन यहाँ देगा दो अलेक्ट्रॉन यहाँ देगा दो अलेक्ट्रॉस यहाँ देगा दो अलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो आप मुझे बता कितने ऑर्बिटल की हैबिट्राइजेशन कितने ऑर्बिटल मिक्सअप हो गई डी औरबिटल थ्री डी ऑर्बिटल दो एक फोर एस ऑर्बिटल एक फोर पी तीन फोर पी ऑर्बिटल तो यहाँ पे जो, जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आ गई दैट हाइब्रिडाइजेशन इज डी टू एस पी थ्री ना अब आप मुझे बताए ये जो ऑर्बिटल है ये एनर डी ऑर्बिटल हैं ये आयरन के एनर डी ऑर्बिटल हैं अगर फोर डी ऑर्बिटल करते तो आउटर डी होते

जिसमें कॉन्फिग्रेशन आ जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है डी टू एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री मीनस इनर जो थ्री डी ऑर्बिटल है वो टेक पार्ट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डी टू इट इज नोन एज एनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अब एक और बात यहाँ से सीखो यहाँ पे कितने अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो कितने अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए वन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हम देखेंगे यहाँ पे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ मीनस प्लस फाइव बाई टू यहाँ पे अगर स्पिन देखेंगे इसकी ज़ीरो इसकी ज़ीरो और इसका प्लस हाफ तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कम हो जाता है तो स्पिन अगर कम हो जाता है स्पिन अगर लो हो जाता है इन कम्प्लेक्सेज को कहते हैं लो स्पिन दे दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लो स्पिन कम्प्लेक्सेज ना वट आर लो स्पिन कम्प्लेक्सेज जब आपका कम्प्लेक्स बनता है अगर आपका स्पिन डिक्रीज होता है अगर आपका स्पिन कम हो जाता है तो कम्प्लेक्स इसको कहते हैं लो स्पिन कम्प्लेक्स जहाँ भी डी टू एस पी थ्री हैबिट्राइजेशन होगी जहाँ भी लो स्पिन कम्प्लेक्स बनेगा जहाँ भी इनर ऑर्बिटल कम्पलेक्स बनेगा उसी को हम कहेंगे लो स्पिन कम्प्लेक्स ना सही एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डी टू एस पी थ्री हैबिट्राइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आई डी टू एस पी थ्री इट इज लो स्पिन कम्प्लेक्स तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम निकालने जा रहे हैं दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट हम बहुत सारे तरीकों से निकालना है एक होता है हमारे पास स्पिन ऑनली फार्मूला एक होता है स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फार्मूला तो थ्री सीरीज के लिए यूजली हम स्पिन ऑनली फार्मूला यूज करते हैं जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो स्पिन ऑनली फार्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटो एन प्लस टू बी एम बोहर मैग्नेटॉन बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का दिस इज़ बोहर मैग्नेटॉन तो स्पिन अगर आपका अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन वट इज़ एन एन इज द नंबर ऑफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स वायर एन इज़ नंबर ऑफ अनप्योर्ड अलेक्ट्रॉन तो आप मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा यहाँ पे कितने अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वन देअपोर म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन इंटू वन प्लस टू दैट इज अंडर रूट ऑफ थ्री अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन थ्री बी एम तो इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकला वन पॉइंट सेवन थ्री अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ फर्स्टली इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री है सेकंड ये जो कम्पलेक्स है इट इज आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और आउटर सेफियर कम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं आउटर सेफियर कम्प्लेक्स सॉरी नॉट आउट एन सो वेरी सॉरी इनर ऑर्बिटल कम्पलेक्स और इनर सेफियर कम्प्लेक्स इसी को कहते हैं इनर ऑर्बिटल और इनर सेफियर कम्प्लेक्स अगर हम यहीं पे बात करेंगे ये जो कम्पलेक्स है ये लो स्पिन कम्प्लेक्स है बिकॉज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इट इज लो स्पिन कम्पलेक्स इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेज लो स्पिन कम्पलेक्स भी कहलाए जाते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा वो पूछेगा आर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल क्या होते हैं जिनमें इनर डी टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री होती है नाउ मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वन पॉइंट सेवन थ्री बी एम है See? अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आता है मीनस अगर कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो स्पेशी क्या होता है कम्प्लेक्स क्या होता है पैरा मैग्नेटिक दैन दिस कम्प्लैक्स इज़ पैरा मैग्नेटिक ये कम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक होता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम निकालते हैं कम्प्लेक्स के लिए दैट इज स्पिन मल्टीप्लीसिटी स्पिन मल्टीप्लीसिटी अगर आपको याद होगा मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था स्पिन मल्टीप्लीसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है टू एस प्लस वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू इज इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे एक अनप्यड इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन क्या होता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी टू इंटू वन हाफ प्लस इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू है तो क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में आते हैं कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होता है उसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है क्या आपको बताना है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है क्या आपको बताना है उस कम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट है या आपको बताना है वो कम्प्लेक्स डाया मैग्नेटिक है या पैरा मैग्नेटिक है या आपको बताना है सिपन मल्टीप्लिसिटी उस कम्प्लेक्स की क्या होगी तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्रैकस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें इतने चीज़ों का पता चल जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गैदर तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम किसी भी कम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी कम्पलेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं किसी भी कम्प्लेक्स का नेचर ऑफ कंप्लेक्स निकालते हैं मतलब आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल किसी भी कम्पलेक्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं ना हमें पता है जब भी डी टू एस पी थ्री हाइब्रट्राइजेशन होती है या एस पी थ्री डी टू हाइब्राइजेशन होती है तो कम्प्लेक्स क्या होता है देन द कम्पलेक्स इज ऑक्टाहाइड्रल इन नेचर तो ये जो हमारा कम्प्लेक्स था के थ्री एफ ई सी एन होल सिक्स ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था इट विल बी ऑक्टाहेड्रल वाई बिकॉज इट इज हाइब्रिडाइजेशन इज डी टू एस पी थ्री ऑक्टाहाइड्रल अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सेंटर में हमारे पास मेटल आयन है एफी और ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास सिक्स वर्टिसेस होते हैं नाउ दिस इज सी एन दिस इज सी एन सिक्स सी एन सी एन आपको पता है सी एन कौन सा लिगेंड है इट इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड दिस इज नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड दिस इज नगेटि चार्जड लेगेंड दिस इज नगेटिवली चार्ज लेग एंड सी आयरन की ऑक्सीडेशन क्या थी प्लस थ्री अब इस कम्पलेक्स को की आप स्ट्रक्चर ड्रा करो अब मुझे आप बताओ यहाँ पे प्लस थ्री चार्ज है और लैगेंड की माइनस सिक्स चार्ज है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स तो ओवरऑल कम्प्लेक्स न्यूट्रल होना चाहिए थ्री प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस यहाँ से यहाँ तक ये यह न्यूट्रल हो गया तीन प्लस तीन माइनस ख़त्म यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने नेगेटिव चार्जेस रह गए थ्री नेगेटिव चार्जेस इसलिए यहाँ पे के थ्री है बिकॉज के थ्री विल प्रोवाइड थ्री पॉजिटिव चार्जेस यू कैन राइट हीयर के थ्री मीनस थ्री पॉजिटिव चार्जेस और यू कैन राइट ही थ्री माइनस दैट इज के थ्री दैट इज थ्री माइनस और यू कैन राइट और थ्री माइनस यहाँ तो कॉम्प्लेक्स पे थ्री माइनस लिखो या तो यहाँ पे थ्री प्लस लिखो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कम्पलेक्स ओवरऑल दिस कम्प्लेक्स की बात अगर करेंगे यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्जेस थ्री यहाँ से थ्री यहाँ से सिक्स नेगेटिव चार्जेस भी सिक्स हैं ओवरऑल दिस कम्पलेक्स इज न्यूट्रल दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कम्प्लेक्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ के थ्री एफ ई सी एन होल सिक्स आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम डिटरमाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ द कम्पलेक्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड नेचर मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिज्म और डाया मैग्नेटिजम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ना एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं स्ट्रांग फील्ड केस में न लेटस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एक एग्ज़ाम्पल के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो दिस इज फोर इन टू प्लस वन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइड माइनस वन लेकिन छः हमारे पास है छः इन माइनस वन दैट इज टू जीरो तो यहाँ पे फोर वन हज़ार फोर सिक्स वन हजार सिक्स माइनस सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इज टू प्लस टू यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है तो हमें पता है आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स एटॉमिक नंबर मीनज आरगान थ्री डी सिक्स फोर एस टू लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मीनस प्लस टू मीनज इट हैज लास्ट टू इलेक्ट्रॉन्स टू अलेक्ट्रॉन्ज लास्ट मीनस इसकी कॉन्फ़िगरेशन थ्री डी सिक्स बनेगी फोर एस जीरो बनेगी तो डा ड्रा करते हैं अपने ऑर्बिटल और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं ना सी यहाँ पे आयरन जो है आयरन के डी ऑरबिटल जो हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं छः एक दो तीन चार पाँच और छः उसके बाद जो फोर एस ऑर्बिटल है वो वैकेंट है उसके बाद जो फी फोर पी ऑर्बिटल हैं वो भी वैकेंट है दिस इज फोर एस दिस इज थ्री डी ना अब हमें पता है सी एन कौन सा लेगेंड है स्ट्रॉन्ग लेगेंड क्यों स्ट्रांग लेगेंड है कैसे पेयरिंग करता है इनकी अभी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट थ्योरी में है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये सैना आयन क्यों इनको पियर अप करता है फिलहाल के लिए याद रखना है जब भी कार्बन डोनर होगा या नाइट्रोजन डोनर होगा वो पियरिंग करता है तो जब भी यहाँ पे लाइगेंट्स आएंगे तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन पियर करेगा यहाँ यह इलेक्ट्रॉन पियर करेगा यहाँ तो इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड क्या होगा यहाँ पे पियरिंग होगी पियरिंग मीनज द कॉन्फिग्रेशन विल बी दिस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये भी यहाँ पे आया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना दिस इज़ फोर एस ऑर्बिटल एंड दिस इज़ फोर पी ऑर्बिटल अब मुझे बता साइनाइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन देगा दो लेकिन कितने साइनाइड uh, लाइगेंट्स uh, है सिक्स तो हर एक टू टू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ईच सोनेट अलेक्ट्रॉन देयर फोरइड्रॉस टू फोर सिक्स एट तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तो आप मुझे बता हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन दीज आर डी ऑर्बिटल्स दिस इज फोर एस ऑर्बिटल दिस इज दीज आर फोर पी ऑर्बिटल तो थ्री डी टेक पार्ट करते हैं कौन से थ्री डी NR 3D थ्री डी ऑर्बिटल डेयर फोर इट इज डी टू थ्री डी में सिर्फ दो ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं डी टू वन एस एंड पी थ्री इट इज डी टू एस पी थ्री जब भी डी टू एस पी थ्री हैबिटाइजेशन ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे तो ये होगा हमारा एनर सेफियर कम्प्लेक्स एनर सेफियर और एनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स एनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना सी यहाँ पे अगर स्पिन इलेक्ट्रॉन की देखेंगे इसकी वन हाफ वन हाफ वन हाफ वन हाफ मीन दिस इज वन हाफ दिस इज वन हाफ दिस इज वन हाफ दिस इज़ वन हाफ दिस इज जीरो वन हाफ़ माइनस वन हाफ़ प्लस वन हाफ माइनस वन हाफ तो यहाँ पे टोटल स्पिन कितना आ गया वन हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन हाफ दैट इज फोर बाई टू दैट इज टू अगर यहाँ पे स्पिन की बात करेंगे प्लस वन हाफ माइनस वन हाफ जीरो प्लस वन हाफ माइनस वन हाफ जीरो प्लस वन हाफ माइनस वन हाफ जीरो तो यहाँ पे स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जीरो है तो आप मुझे बता होती है इनक्रीज होती है डिक्रीज होती डियर फोर क्या होगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो आपको बताना होता है कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है अब मुझे पता यहाँ पे कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है नो no, यहाँ पे कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू एन इज़ द नंबर ऑफ अनपियड एलेक्ट्रॉनिकैट इज़ ज़ीरो इंटू जीरो प्लस टू दैट इज़ जीरो तो मैगनीटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो होगा ज़ीरो बी एम मैगनीटिक मोमेंट जीरो होगा अगर स्पिन की बात करेंगे तो एस यहाँ पे जीरो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है टू एस प्लस वन दैट इज टू इंटू जीरो प्लस वन दैट इज़ वन तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी की बात करेंगे दैट विल भीवल मल्टीप्लिसिटी स्पिन जीरो है मल्टीप्लिसिटी वन होता है नासी दिस इज द क्रैकस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थोड़ी हाउ वी कैन डिटरमाइन हाइब्राइजेशन नेचर ऑफ द कम्पलेक्स मैग्नेटिजम ऑफ द कम्पलेक्स एंड मल्टीप्लीसिटी उसके बाद हम क्या करेंगे इस कम्पलेक्स की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर तो ये कम्पलेक्स क्या है ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्स बिकॉज इसकी हाइब्राइजेशन डी टू एस पी थ्री है और इसके पास सिक्स मोनोडेंटेट लाइगेंट्स हैं तो यहाँ पे आयरन है यहाँ पे साइनाइड यहाँ पे साइनाइड माइनस साइनाइड माइनस यहाँ पे साइनाइड नगेटिवली चार्ज लाइगेंड नगेटिवली चार्ज लैगेंड नगेटिवली चार्ज लैगेंड नगेटिवली चार्ज लाइगेंट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है लेकिन यहाँ पे सिक्स माइनस चार्जेस हैं तो एक्स्ट्रा माइनस चार्जेस यहाँ पे कितने हैं सिक्स इन सॉरी एक्स्ट्रा माइनस चार्जेस कितने हैं यहाँ पे चार दो पॉजिटिव दो नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज uh, करेंगे दो चार्जेस को यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस रह गए वन टू थ्री फोर इन एक्स्ट्रा माइनस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे के फोर आयानस हैं दे विल गिव फोर पोटेशियम आयान सो दैट डेट विल बी ओवरऑल न्यूट्रल तो ये हमने बात की हाई मतलब यहाँ पे हमारा क्या था लाइगेंड स्ट्रॉग फील्ड लाइगेंड था अब बात करेंगे अगर कहीं पे वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो क्या होगा वीक फील्ड लाइगेंड मतलब हम एग्जांपल लेंगे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेंगे एफ ई एच टू ओ के है सी एल टू की ये एग्जाम्पल लेंगे ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो x प्लस सिक्स इंटू वाट इज अ न्यूट्रल इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो वाट इज अ वीक फील्ड लेकेंड क्यों वीक फील्ड होता है इसका डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में करेंगे फिलहाल के लिए याद रखेंगे कार्बन नाइट्रोजन डोनर्स आर स्ट्रॉग फील्ड अदर्स आर वीक फील्ड क्लोरीन की माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू यहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आ गई तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है इसका एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी सिक्स कॉन्फिग्रेशन क्या है आर्गन थ्री डी आर्गन थ्री डी सिकस फोर एस टू तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आयरन ने लूज किए हैं टू देरपुर कॉन्फिग्रेशन बिकम्स थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो तो यहाँ पे बनाएंगे इसके ऑर्बिटल थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो

क्यों नहीं पेयर अप कर सकता है विल डिस्कस द रीजन इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लेकिन इतने के फ़िलहाल के लिए आपको याद रखना है जो वीक लाइकेंड होता है वो अलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता है मीनस यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी अगर पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे कोई थ्री डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए क्या होगा इसलिए ये जो हमारे फोर डी ऑर्बिटल्स हैं आउटर डी ऑर्बिटल है दे विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए यहाँ पे फोर डी ऑर्बिटल जो होंगे दिस इज़ फोर पी ऑर्बिटल एंड दीज आर फोर डी ऑर्बिटल ये टेक पार्ट करेंगे इनहेबिटाइजेशन क्यों बिकॉज यहाँ पे जो लैगेंड है वो वीक फील्ड है वीक लाइगेंड का नेचर होता है वो इनको पियरिंग नहीं करता है लेकिन उसको अलेक्ट्रॉनस देने हैं कितने अलेक्ट्रॉनस देगा एक लैगेंड दो यहाँ पे कितने लाइगेंड्स हैं सिक्स देयर फोर ईच व डोनेट अ पियर ऑफ अलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे छाटर मालिक्यूल दो 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 अलेक्ट्रॉनस देंगे दो दो चार दो चार, छः दो आठ दो दस दो बारह तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्बिटल्स की होती है एक हमारा एस ऑर्बिटल होता है तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं और आउटर डी ऑर्बिटल्स होते हैं फोर डी ऑर्बिटल्स वाई आउटर बिकॉज इनमें कोई ऑर्बिटल इनर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी क्यों पेयरिंग नहीं होगी बिकॉज अभी हमारा रीज़न ये है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वीक फील्ड लिगेंड है वो वीक लिगेंड है पिक फील्ड लेकिन क्यों पेयरिंग नहीं करता है इसका रीजन लेट्रॉन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ढूंढेगी क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस नेचर को एक्सप्लेन नहीं करते है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई एस पी चाहे आपके पास डी टू एस हो या एस पी हो दोनों केस में जियोमेट्री ऑक्टाहीड्रल होती है दोनों केस में जियोमेट्री ऑक्टाहीड्रल होती है तो यहाँ भी क्या हो गया हाइब्राइजेशन sp3d2। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी थ्री डी टू तो जियोमेट्री क्या होगी जियोमेट्री इज ऑक्टा हाइड्रल जियोमेट्री इज ऑक्टा हाइड्रल वन एवर वी हैव एस पी थ्री डी टू और डी टू एस पी थ्री हैबेडाइजेशन जियोमेट्री इज ऑक्टा हाइड्रल नी यहाँ पे क्या होता है अब मुझे बताएं यहाँ पे जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो चेंज हुआ नहीं यहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम नहीं होगा इसलिए क्यों नहीं कम होगा बिकॉज पेयरिंग नहीं होगी इसलिए इस ऑर्बिटल को कहते हैं आउट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इस ऑर्बिटल को कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इस ऑर्बिटल को कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो एडवांसड लेवल है मतलब वो डिफिकल्ट लेवल है इसलिए इस थ्योरी को आप बहुत अच्छी तरह से सीखो सो देट आगे जाके हमें बहुत ईजी लगेगा इट्स हाई स्पिन कम्प्लेक्स अब मुझे बताएं यहाँ जो डी ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं वो आउटर डी ऑर्बिटल हैं इसलिए इसको कहते हैं आउटर सेफियर कॉम्प्लेक्स आउटर सेफियर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं आउटर सेफियर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अब मुझे एक और चीज़ बता यहाँ पे अगर हम अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितने अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज फोर देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर इंटू फोर प्लस टू दैट इज फोर प्लस टू सिक्स ट्वेंटी जीरो अभी मैं आपको टेबल भी बताऊंगा आगे आप कैसे इसको याद रखेंगे ना फोर पॉइंट नाइन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नेटिक मोवमेंट जीरो नहीं आता है तो यह पैरा मैग्नेटिक है इट्स पैरा मैग्नेटिक इट इज पैरा मैगनीटिक तो यहाँ पे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हो कैपिटल एस तो स्पिन निकालो एस इज इक्वल टू वन हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन हाफ फोर बाई टू दैट इज टू तो कैपिटल एस निकालो सिपिन मल्टीप्लिसिटी टू एस प्लस टू प्लस वन दैट इज फाइव सिपिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे फाइव आ गई तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट दीज आर इंपॉर्टेंट कंक्लूजनज जो हम ड्रा करते हैं फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम डिटरमाइन करते हैं कौन से टाइप का कंप्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल हम डिटरमाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम डिटरमाइन करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कम्पलेक्स क्या है हम डिटरमाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स क्या है हम डिटरमाइन करते हैं अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स में कितने होंगे हम डिटरमाइन करते हैं सिपिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कम्पलेक्स दैट्स वाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कम्पटिटिव एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो फिलहाल के लिए मैं आपको दो चार कंप्लेक्स देता हूँ उनको आप ट्राई करो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स एक्सप्लन uh, करूंगा जिनमें कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन तो होती नहीं है मतलब कुछ डिवेशन होगी वो भी एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर फिलहाल के लिए आप लिखो कुछ एग्जांपल्स इनमें आप निकालोगे हाइबिट्राइजेशन इनमें आप निकालोगे आप ऐसे क्वेश्चन लिखो डिटरमाइन हाइबिट्राइजेशन हाइबराइजेशन जियोमेट्री अनप्योर्ड अलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनप्योर्ड अलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नेचर ऑफ़ कम्प्लेक्स डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक डया और पैरा मैग्नेटिक और आपको बताना है डाया है या पैरा है उसके साथ साथ आपको बताना है आउटर ऑर्बिटल है या इनर सेपियर कम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कम्पलेक्स है और साथ साथ आपको सिपिन मल्टीप्लीसिटी भी निकालनी है स्पिन मल्टीप्लीसिटी जो मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ उनको उनकी आपको हाइब्राइजेशन निकालनी है जियोमेट्री निकालनी है अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉस निकालने हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है डाया मैग्नेटिक है पैरा है आउटर है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है दैट्स वाई क्वेश्चन सर ऑस्कर्ड फ्राम दिस कभी आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ कभी आपसे पूछा जाएगा जियोमेट्री बताओ कभी नंबर ऑफ अनप्यड इलेक्ट्रॉन्स कभी मैग्नेटिक मोमेंट कभी डया और पैरामैग्नेटिक के बारे में कभी आउटर और इनर सेफेर के बारे में कभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में दिस हैज नॉट बीन ऑस्कर्ड टिल नाउ नाउ सी द कॉम्प्लेक्सेस आर यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स देखो कॉम्प्लेक्स एक थी एफ ई सी एल सिकस सी एल वीक फील्ड लेटेड है बिकॉज यहाँ पे कार्बन डोनर नहीं है ये क्लोरीन डोनर है एम एन एच टू ओ होल सिकस टू प्लस एम एन सी एल होल सिक्स टू प्लस और एग्जाम्पल्स देखो सी आर एन एच थ्री होल सिकस थ्री प्लस जी तरह आप लिखो एफ पी एफ पी एफ सिकस थ्री माइनस ये क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिए एक दो तीन चार पाँच इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना इनका आप हेबाइजेशन निकालना जियोमेट्री निकालना अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नेटिक मोमेंट निकालना डाय और पैरामैग्नेटिज्म निकालना आउटर और इनर ऑर्बिटल वेदर इट इज आउटर और इनर ऑर्बिटल वो भी निकालना नेचर और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आया होगा इसके हम और ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स और हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे फ्रॉम कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एज वेल स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कम्पलेक्स देयरफॉर इस लेक्चर uh, मतलब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं तीन लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को टच करूँगा बिकॉज इन एग्जाम्स यू आर आस्कर्ड ऑनली अबाउट एग्जाम्पल्स जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होता है या इवन इन द बोर्ड एग्जाम आपको कोई भी कम्प्लेक्स देगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कम्पलेक्स देगा आपसे पूछा जाएगा एक कम्प्लेक्स कौन सा कम्प्लेक्स है इस पर आप बैलेंस बाउंड थ्योरी अप्लाई करो तो आपको बैलेंस बाउंड थ्योरी अप्लाई करना मतलब ये वाले इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्रैक्स जो हैं वो डिटरमाइन करने हैं यूजिंग बैलेंस बाउंड थ्योरी फॉर दिस कम्प्लेक्स सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थैंक्स फॉर बेयरिंग मी फॉर सच सच टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो